फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कृष्णा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ मेक एज ए कॉजेटिव वर्ब। यूज ऑफ मेक एज ए कॉजेटिव वर्ब, यानी मेक का प्रयोग हम सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब के रूप में कब करते हैं। फ्रेंड्स, मेक का प्रयोग हम वैसे वाक्यों में करते हैं जब कोई कार्य दूसरे की सहायता से होता है लेकिन सब्जेक्ट खुद भी उसमें शामिल रहता है। ऐसे कार्य तो दूसरे की सहायता से होता ही है लेकिन इसके लिए हमें उसे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, बता दें कि मेक का प्रयोग हम वैसे वाक्य में करते हैं जहां पर कार्य दूसरे की सहायता से होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट खुद भी शामिल रहता है, और ऐसे कार्य के लिए हमें उसे पैसे देने की जरूरत नहीं होता है। जबकि हम गेट का प्रयोग करते हैं तो उसमें कार्य दूसरे से होता है, दूसरे से हम करवाते हैं लेकिन उसमें सब्जेक्ट का शामिल रहना अनिवार्य नहीं है, और वैसे कार्य को हम अक्सर पैसा देकर करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेक का प्रयोग में हम दूसरे से कार्य करवाते हैं, दूसरे की सहायता से कार्य तो करते हैं और उसमें खुद शामिल रहते हैं, और ऐसे कार्यों के लिए हमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यूज ऑफ मेक इन प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में मेक का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, रूल होगा सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मेक का, और जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नेम रहता है तो मेक्स का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, राम मुझे हंसाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, राम मुझे हंसाता है तो हंसने का काम किसके सहायता से हो रहा है, राम की सहायता से, और इसमें दोनों शामिल है। तो ऐसे सेंटेंस को हम मेक और मेक्स के प्रयोग से ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर इसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेक या मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। राम मुझे हंसाता है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राम, क्या लिखेंगे राम, उसके बाद आपको लिखना है मेक या मेक्स। तो दोनों में से क्या होगा, ये राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर होगा मेक्स, क्या होगा मेक्स। तो लिखेंगे राम मेक्स किसे, अब लिखना है ऑब्जेक्ट तो मेक्स मी लाफ, क्या लिखेंगे मेक्स मी लाफ, वर्ब क्या है लाफ। तो इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा राम मेक्स मी लाफ, राम मुझे हंसाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह तुम्हें रुलाती है, वह तुम्हें रुलाती है, इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट सी सी, क्या होगा मेक्स मी मेक्स मी बीप, वह तुम्हें सी मेक्स यू, यहाँ पर यू होगा, क्या होगा सी मेक्स यू बीप, वह तुम्हें रुलाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, माँ बच्चों को सुलाती है, माँ बच्चों को सुलाती है, इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे, लिखेंगे मदर मदर मेक्स द चिल्ड्रेन स्लीप, मदर मेक्स द चिल्ड्रेन स्लीप, माँ बच्चों को सुलाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह बैल को चलाता है, वह बैल को चलाता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे He makes the ox run. क्या होगा वॉक, चलाता है। He makes the ox walk. वह बैल को चलाता है। He makes the ox walk. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, और नेक्स्ट है पास्ट, यूज ऑफ मेक इन पास्ट टेंस, यूज ऑफ मेक इन पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस में भी हम मेक का प्रयोग करते हैं, और मेक का क्या होता है मेड, और पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा मेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रूल होगा पास्ट में सब्जेक्ट प्लस मेड, सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ सेंटेंस पास्ट टेंस का, मैंने राहुल को हंसाया, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, सबसे पहले आपको लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू प्लस अदर वर्ड्स। तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, लिखेंगे राहुल, मैंने, सब्जेक्ट क्या है आई होगा, उसके बाद मेड लिखना है, क्या लिखेंगे मेड, आई मेड राहुल, क्या है राहुल, आई मेड राहुल लाफ, देखेंगे गीता ने उसे
रुलाई, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा मेड हिम बीप, गीता ने उसे रुलाई। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, रवि राम ने रवि को रुलाया, को रुलाया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे राम मेड रवि बीप, राम ने रवि को रुलाया। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैंने उसे दौड़ाया, मैंने उसे दौड़ाया, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे आई मेड ने उसे दौड़ाया। तो फ्रेंड्स देखते हैं यूज ऑफ मेक इन फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस में भी हम मेक का प्रयोग। फ्रेंड्स यहां पर रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, विदाउट क्या होगा यहां पर टू, विदाउट टू, विदाउट टू क्या होगा अदर वर्ड। फ्रेंड्स देखते हैं पर कुछ सेंटेंस, मैं उसे हंसाऊंगा तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा ही सी इट और सिंगुलर नेम रहता है तो विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसे हंसाऊंगा तो क्या होगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे आई आई शैल मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाऊंगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है रवि तुम्हें रुलाएगा, रवि तुम्हें रुलाएगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे रवि और रवि के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे, रवि बिल मेक रवि विल मेक यू बीप, रवि तुम्हें रुलाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है मदन मोहन को नचवाएगा, मदन मोहन को नचवाएगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे मदन मदन बिल मेक मोहन डांस। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप मेक की सहायता से, मेक्स की सहायता से आप बहुत सारे सेंटेंस को कॉजेटिव वर्ब के रूप में इंग्रेजी ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपना इंग्लिश को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चाहने वाले को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।